हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज अवशि अवस्थी देखिए आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दीजिए आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए असिस्टेंट कमांडेंट दीजिए आई ई के एग्जाम दीजिए स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दीजिए इससे आपको एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे तो इस, इस लेक्चर को जरूर देखेगा लेक्चर दस से बारह मिनट का है याद रखेगा और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिपोर्ट्स याद देखिए बहुत से रिपोर्ट्स होते हैं इंडाइसिस होते हैं जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से इंडेक्सेस को पब्लिश करती है उसको मैं आपको बताऊंगा वो भी 10 से 12 मिनट के लेक्चर में ही कंप्लीट कर दूंगा एक बार ज़रूर एग्जाम से पहले जरूर गो थ्रू करिए कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा ओके याद रखिएगा आपको इसकी पी वगैरह चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओके याद रखिएगा आप हमारे एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन का लिंक जो है

कौन कौन सी पब्लिश करते हैं अब इस रिपोर्ट में डिटेल भी हम देख सकते हैं बट अभी आपको एक पर्सपेक्टिव से देखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है अभी सिर्फ आप इतना याद करिए ओके सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है गोत्रु करिए ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करी है ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिवनेस रिपोर्ट याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच इज पब्लिश बाय पब्लिश बाय डब्ल्यूएफ ओके ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स बिल्कुल एनर्जी से है तो हो सकता है आप एनर्जी को देख के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर मार्क कर दें बट याद रखना आपको वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ही पब्लिश कर रही है वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट इसको भी गोत्रु करिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन पब्लिश करता है एनर्जी से रिलेटेड है सो इंटरनेशनल एनर्जी 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 एजेंसी याद रखिएगा वहां पर भी मैंने एक Energy से रिलेटेड बताई थी आपको दैट इज ग्लोबल कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्लोबल एनर्जी पे हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लगा दें याद रखिएगा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में तो ये हो गई अपनी सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay. थर्ड में आते हैं थर्ड कौन सी बॉडी है यू एनसीडी दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश कर रही है जिसमें से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दट इज सेकंड वन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्वेश्चन जरूर आ सकता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट यह भी पब्लिश करी यूएनसीटीएडी देन इंफॉर्मेशन याद रखेगा इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट और लास्ट जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ओके ट्रेड है तो यह तो आप येस्ट कर सकते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट है तो यूएनसीटीएडी ही पब्लिश कर रही होगी बट जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है यह आपको याद रखना

प्लस मेरे कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहां तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कराया हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एमिशन गैप रिपोर्ट इसको पब्लिश कौन कर रहा है यू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसे पब्लिश कर रहा है वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड सेकेंड अभी हमने एक आउटलुक की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी यहीं पर है दूसरी ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक एनवायरमेंट आउटलुक क्या देखिएगा इसको कौन पब्लिश कर रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये दोनों ही रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है. एग्जाम में आने की चांसेस नाइनटी फाइव परसेंट है ओके okay? ये दोनों रिपोर्ट्स को भी आप गो थ्रू करिए ओके नेक्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत आई होगा आईएलओ के बारे में आपने, ओके, okay? ये भी कुछ रिपोर्ट पब्लिश करा है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और आ गया है लेबर मार्क कर सकते हैं आप. Report, again, labor, इसे आप कर सकते हैं वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट अगेन हो सकता है इसको आप मार्क नहीं कर पाए बट याद रखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ओके तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेजन बहुत इंपॉर्टेंगे okay? तो याद हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल तो यह तो आई थिंक आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं इसके लिए डिफिकल्टी नहीं होगी आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्टी पढ़ा रखा है इंडिया की रैंकिंग क्या है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके इसका डी डिटेल भी पढ़ाया हुआ है याद इसको पब्लिश कौन कर रहा है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको को जरूर मिलेगा याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा जाता है इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश कर रहा है याद रखिएगा आई आई वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया अब आप हमारे कोर्सेज चल रहे हैं एक बार प्लीज एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें आपको हमारे सारे कोर्सेज एनसीईआरटी आंसर राइटिंग सीरीज प्रीलिम्स कोर्स मेंस कोर्स सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन मिल जाएगा एक बार एप्लीकेशन को विजिट करें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी आप एप्लीकेशन आप को विजिट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट कोर्सेज है याद रखिए अभी ऑफर में चल रहा है वन इसका कॉस्ट थर्टी थाउजेंड है अभी फिफ्टीन थाउजेंड है याद रखिएगा इस वीक के लिए ही है तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं आप और कोई डिटेल चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पाते अगेन अगली रिपोर्ट जो करा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में ऑलरेडी कराया हुआ है इसको पब्लिश कौन कर रहा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ओके नेक्स्ट जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पब्लिश कौन कर रहा है देख लीजिए यू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कंफ्यूज कर सकती है आपको रिपोर्ट याद रखिएगा कौन पब्लिश कर रहा है वेरी इंपॉर्टेंट ओके डब्ल्यूब्ल्यू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपने पांडा की इमेज देखी होगी बड़ा फेमस है डब्ल्यब्लू के लिए ओके okay. इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आने के चांसेस बहुत ज्यादा है द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लान रिपोर्ट याद रखिएगा एनर्जी रिपोर्ट एंड द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी मैगजीन भी आती है आप कभी देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंडेक्स और इस रिपोर्ट में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा इंडिया की रैंकिंग भी मैंने बताई हुई है इसको पब्लिश कौन कर रहा है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हंड्रेड एग्जाम में देखने को मिलेगा ओके okay? तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू करिए ओके नेक्स्ट ईडीओ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गनेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है रिपोर्ट भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थिंक आप यहां पर समझ सकते हैं इंडस्ट्रियल है तो ये ऑर्गेनाइशन पब्लिश करती है ओके देन यू एन ओडीसी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम तो ड्रग और क्राइम से रिलेटेड है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट है कंफ्यूज नहीं होना है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? ये भी पता होना चाहिए ओके दे यूनेस्को यूनेस्को तो बहुत फेमस है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी स्टेटस देती है ओके okay? uh, बहुत ही फेमस है तो इसकी रिपोर्ट भी देखिए जेंडर पैरिटी इंडेक्स याद रखना आपको एंड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एजुकेशन से आप शायद कनेक्ट कर सकते हैं याद कनेगेट बना सकते हैं पैरिटी इंडेक्स आपको याद रखना है अगेन याद रखिएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं इंडेक्सेज हैं मैं उन्हीं को यहां पर ले रहा हूं सिंगल लेक्चर में सब कंप्लीट हो जाएगा ओके okay? बस कंप्लीट होने वाला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बहुत ही फेमस बॉडी है स्टेट पीसीएस यूपीएससी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कंफ्यूज मत हो जाना याद रखिएगा सीपीआई मैंने बोल दिया है तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है करप्शन से रिलेटेड है दूसरी भी है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट दोनों ही याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करते हैं ओके सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ की बात है तो एम्बियट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट याद रखिएगा हेल्थ की अगर बात आए तो एयर पोल्यूशन या एम्बियट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट आपको याद रखना है

सकते हैं कैसे याद करना है क्योंकि मैंने कोर कोर रिपोर्ट्स आपको बता दी हैं और ये लास्ट पेज है इसकी रिपोर्ट आईएमएफ वर्ल्ड बैंक इसको आपने और कर लिया आपकी रिपोर्ट इन्हीं में से आएंगी याद रखिएगा आईएमएफ की दो बहुत फेमस रिपोर्ट है आउटलुक मैंने अभी आपको बताया था एनवायरमेंट पे भी देखा सोशल आउटलुक पे भी देखा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है याद रखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होना आउटलुक देख के कि कहीं दूसरे का तो नहीं है याद रखिए इकोनॉमिक आउटलुक है दैट इज आईएमएफ और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट याद रखिएगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट है ये कन्फ्यूज नहीं होना है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है यहीं से कंफ्यूजन आता है क्योंकि हमको ये रिपोर्ट आई की ओर लगती है बट याद रखिए करेक्ट आंसर ये है दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है

ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी एग्जाम में कितने बार पूछेगा एग्जाम में हर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट किया जा रहा है और लास्ट जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट याद रखिएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओके है ना अब आपके पास अगर टाइम हो तो आप नीति आयोग की भी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि नीति आयोग ने कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आरबीआई नीति आयोग की अगर आपके पास टाइम है तो उनको देख सकते हैं बट मैंने अभी आपको इंटरनेशनल जो भी रिपोर्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर की है और लास्ट जाते जाते एक और यूसीडी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट और देख लीजिए जिसको हम पीसा कहते हैं प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ओईसीडी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओके okay? तो ये लास्ट रिपोर्ट थी मैंने आपको जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी वो मैंने करा दी हैं नीति आयोग आरबीआई की रिपोर्ट्स आप चाहें आपका टाइम हो तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इन रिपोर्ट्स के साथ आपके एग्जाम से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा बट अफको इन रिपोर्ट्स के हम डिटेल भी पूछी आ सकती है अफकोर्स डिपेंड करता है एग्जाम के पैटर्न पर कभी कभी इन रिपोर्ट्स का भी डिटेल पूछा जा सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूं बट एटलीस्ट कौन पब्लिश करता है अगर ये भी पता होगा ना शायद ऑप्शन कट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं और डायरेक्टली अगर रिपोर्ट पूछी गई तो वो तो आंसर आपको बन ही जाएगा प्लीज गो थ्रू करिए मैं आपको लास्ट बार बोला एप्लीकेशन को एक बार जरूर विजिट करें जो हमारे कॉस्ट हैं कोर्सेज के वो सब इंक्रीज होने वाले हैं जिससे पहले वो इंक्रीज हो आप उनको परचेस कर लेंगे आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कोई डाउट को है व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कर सकते हैं इवन कमेंट बॉक्स पर भी मैसेज कर सकते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं कोई कोर्स नहीं भी लेना हो स्टिल एप्लीकेशन को विजिट करिए हो सकता है आपको अपनी स्टडी का एक पर्पज सामने दिखाई दे या देखिएगा आप हमारे कोर्सेज को अगर आप परचेज करते हैं तो पर्सनल लेवल पर जो गाइडेंस होता है स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए क्या स्केड्यूल बनाना चाहिए इन सब में भी हम हेल्प करते हैं तो so ज़रूर आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर नीचे दिया हुआ है और दैट uh, इज हमाई एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइडेड है थैंक यू